वफा है यहाँ है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल को पता। मतलब ये कि तुमने इनकार कर दिया और बाबा माने नहीं, तुम्हारे पास कोई और हल नहीं। सोचा कि बेहतर यही है कि ये शहर, ये मुल्क छोड़ दूं। हमदान देखें, मैं एक मामूली सी लड़की हूं, और अगर खास होती भी तो आपके वालदैन के सामने और किसी की अहमियत नहीं होनी चाहिए। आप मेरे लिए अपना घर, अपनी फैमिली छोड़ना चाहते हैं? अच्छा तो मेरे लिए क्या है, तुम कभी भी नहीं समझो। अगर तुम अपना फैसला बदल दो तो शायद मैं नहीं जाऊंगा। आप जिसे इतना आसान समझ रहे हैं वो इतना आसान नहीं। मेरी खुशियों से मेरी अम्मों की खुशियां जुड़ी, मेरा ये गलत फैसला उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। बाबा कभी ये नहीं आशा करेंगे। वो आंटी से बहुत मोहब्बत करते हैं, कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। मैं मफरूजों की बुनियाद पर फैसला नहीं करती। मैं जानती हूं अगर आप मेरी वजह से अपने फादर से मुखालफत करेंगे तो इसका बराह रास्त असर मेरी अम्मों पर होगा। एक बार फिर सोचो, ये मेरा आखिरी फैसला। किसके रिश्ते की बात? अनुषा के, लड़का डॉक्टर है, हॉस्पिटल में जॉब भी करता है और उसका अपना क्लिनिक भी है। पसंद आ गया रिश्ता? मुझे तो अच्छा लग रहा है, उसके अब्बू बिजनेसमैन है, फैमिली तो अच्छी है। मैं तो कह रही हूँ जल्दी से रिश्ता तय कर देते हैं और इसकी शादी करते हैं। यहाँ से जाने का सोचता हूँ तो उससे बिछड़ने का ख्याल आता है, फिर इरादे कमजोर पड़ जाते। हमदान जिस रास्ते पे चलकर कभी मंजिल ना मिले ना, उसे छोड़ना ही अच्छा होता है। मैं सोचता था कि मेरे जज्बे सच्चे हैं, मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा, लेकिन हालात मुझे मायूस कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों अनुषा, एक उम्मीद बाकी है। उम्मीद शायद कहती है कि अचानक हो जाए और मैं तुम्हें पालूं और सब कुछ ठीक हो जाए। जब सच सामने हो तो झूठी उम्मीदों से दिल बहलाना बेकार है। Excuse me. यहाँ हमदान नाम से कोई पेशेंट आया जिसका एक्सीडेंट हुआ था। Excuse me? जी आप? हाँ मैं हमदान का फादर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हमदान, ज़्यादा छोटे तो नहीं आई उसे? मैं कैसे बता सकता हूँ, वो तो डॉक्टर बताएंगे बाहर आके। एक्चुअली मेरी गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे थी, जब उनकी गाड़ी फुटपाथ से टकराई तो मैं हॉस्पिटल ले आया। जख्मी हालत में उन्होंने कॉल मिला के आपसे बात करवाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आपने हेल्प की उसकी। अरे सर शुक्रिया की क्या बात, मैंने जो भी किया अपना फर्ज समझ के किया। सर फटने की वजह से काफी खून बह गया था, गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे,
या तो बहुत जल्दी में थे या स्ट्रेस। एक्सक्यूज मी, वो जख्मी लड़का आप लोग के साथ है कोई? जी डॉक्टर साहब, मैं हमदान का फादर हूँ। कैसी तबीयत है उसकी, ठीक तो है ना वो? देखिए अभी फिलहाल हमने उनके सर पे स्टिचेस तो लगा दिए हैं। और काफी खून बह गया था, वो हमने कंट्रोल कर लिया है। अब उनके कुछ हमें टेस्ट कराने पड़ेंगे ताकि हमें एक्चुअल सिचुएशन का पता चल सके। डॉक्टर साहब, वो होश में तो है ना? जी हाँ, होश में तो है, लेकिन हमें उनके कुछ टेस्ट करा के देखना है कि आया हम उनको एडमिट करें या हम उनको रिलीज करें। मैं उससे मिल तो सकता हूँ? नॉट एट द मोमेंट। अभी हमने उनको सीटी स्कैन के लिए लेके जाना है, जब वो आ जाए तो आप मिल लीजिएगा। प्लीज एक्सक्यूज मी। ये आपकी अमानत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। अच्छा, मैं जल्दी में जरा इजाजत चाहूंगा आपसे। थैंक यू। जी फारूक, कैसा है हमदान अब? इंशाल्लाह सब ठीक होगा, आप परेशान मत। मुझे अपडेट करते रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। नसरीन, पानी लेकर आओ बेटा। कह रहे हैं कि काफी बेहतर है पहले से हमदान। अभी कुछ उसके टेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद ही सही सिचुएशन पता चलेगी। परेशान मत हो मेरी जान, हमदान साथ खैरियत के घर आएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि फारूक के बच्चों को किसकी नजर लग गई है। यसरा, रोने से कुछ नहीं होगा बेटा, बस अल्लाह से दुआ करो कोई गहरी चोटें ना आई हों और आज रात को ही हमदान वापस आ जाए। दुआ करती रहना। मैं आती हूँ जरा। अच्छा देखिए, इनकी सारी रिपोर्ट्स तो क्लियर हैं, लेकिन फिर भी हमें सीटी स्कैन के रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, तभी मैं आपको कुछ बता सकूंगा। अगर रिपोर्ट्स ठीक आ जाती हैं तो फिर आप उसे डिस्चार्ज कर देंगे ना? ये तो मैं तभी बता सकता हूँ रिपोर्ट्स देख के। अच्छा
तब तक हमें इनको रूम में शिफ्ट करना होगा क्योंकि कुछ जरूरी इंजेक्शंस हैं जो हमें ड्रिप के जरिए ही देना होगा। उसके लिए उन्हें हॉस्पिटल में रहना होगा। जैसे आपको बेहतर। आप जब तक एक काम कीजिए, रिसेप्शन में जाके उनकी फाइल बनवा लीजिए। एक्सक्यूज मी। हेलो, कौन? मैं फारूक बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल हमदान कहाँ है? एक्चुअली हमदान का एक्सीडेंट हो गया। क्या? थोड़ी चोटें आई हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक है। अंकल आप मुझे बताएं कौन सा हॉस्पिटल में है, मैं अभी आता हूँ। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, तुम आ जाना आराम से, कोई बात नहीं। अंकल प्लीज़ आप एड्रेस सेंड करें, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ जी, बेचैनी सी क्यों है? क्या मुझे हमदान के जाने का दुख हो रहा है? लेकिन मैंने उसे रोकने की कोशिश भी तो नहीं की। मान क्यों नहीं जाती अनुषा? मैं वादा करता हूं कि बाबा को मैं मना लूंगा बाद में, और तुम देखना वो खुद भी मान जाएंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और देखना मेरी खुशी के लिए अपना फैसला तब्दील कर लेंगे। मैं इतनी खुद गर्ज नहीं, कि अपनी खुशी के लिए फारूक अंकल को दुख दूं। उनके बेटे को उनसे दूर कर दूं और अपनी अम्मो के लिए मुश्किलात खड़ी कर दूं।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तबीयत ठीक है आपकी? मैं भी ठीक हूँ, मगर 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 क्या अम्मू? सब खैरियत है ना अंकल? ठीक है। हाँ वो तो ठीक है, हमदान का एक्सीडेंट हो गया है। क्या, कैसे, कब? सुबह हुआ था, अभी हॉस्पिटल में ही है। फारूक है उसके पास। वैसे तो बाजाहिर को खास चोटें नहीं आई, लेकिन सर पे काफी ज्यादा लगी है। डॉक्टर्स टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। देखो रिपोर्ट्स आ जाएं तो उसे डिस्चार्ज कर देंगे। तुम दुआ करती रहना, अच्छा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तेरे